जल्दी निकल जाइए, मुझे आई थिंक जल्दी निकल जाइए, ये क्या बात है, मुझे किसी से मिलना है ना। दूर रखती है वो, ये वो मिलना चाहती है, वो आ रही है। उसको अकेले में मिलना है ना मुझसे, ब्रश कोलगेट खुलाना ढिंगाना ये सब भी लेकर आएंगे। कैसे बात कर रहा, तेरी एक्स है यार, तेरे कुछ इमोशन जुड़े थे उसके साथ, है ना। ताने मार रही है बैठे बैठे, अरे यार कैसी बातें कर रहा है, छोटी छोटी है ना। आ ब्लैक रंग की टी शर्ट है, आ जाओ साथ में, लड़की बैठी होगी, लड़की बैठी। भाई गाइस मेरा नाम है शुभम, मैं आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो। गाइस तो आज क्या करेंगे, तो आज फिर से वही करेंगे, रूपल के ऊपर प्रैंक करेंगे, प्रैंक के नाम पे हम डंडे खाएंगे और पिटेंगे, क्योंकि वो हमारा काम है, धर्म है हमारा पिटने का, तुम्हारे लिए हमें पिटना पड़ता है। बट गाइस इस बार की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने एक्स को बुलाया है मिलने के लिए। किसके सामने, रूपल के सामने। तो तुम्हें पता है रिएक्शन कितने खतरनाक आ गए। बाकी वीडियो में आ चुके तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वेले बैठे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गाइस रूपल आ रही होगी, लोग मेरे को देख चुकी है वो, मुझे पता है, बड़ी कमी नहीं होगी वो। आ रही है पीछे, कैमरे वाली भी पीछे है, पिच्छू है पिच्छू। हम अपने मजे मारते हैं, स्टार्ट प्रैंक। हेलो, चूतिया बनाने में हम एक्सपर्ट हैं। ओ माँ, वो तेरे आते ही धूप हो गई। डार्लिंग की बात करें, शराब कौन सी डार्लिंग, रुपए जी ओह बात करें, कर कर नहीं मुझे नहीं बात करनी, भगा यहां से, चल ठीक है डार्लिंग बात हां है। तो उमा उनके साथ करके मेरे साथ करने आई है, अरे को ना डार्लिंग बाद में बात करूंगी, चलो ठीक है। हां बड़े से यार, देखो कौन बैठा है धूप में, तेरे आते धूप, ये पहले इतना अच्छा छांव था, लाइफ इतनी अच्छी मौज में कट रही थी, तेरे आके सारा गम। क्यों सवाल है मेरा, हां जी सर, इतनी लेट क्यों आई सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेट्रो वाले ने ना ठोक दी एक मेट्रो के ऊपर, समझ रहे हो, पापा चला रहे थे मेट्रो, सॉरी शुभम भैया चला रहे थे, ओह माय गॉड, तो उन्होंने मेट्रो ठोक दी। मेट्रो सर, मेरे को एक जरूरी बात करना है, मेट्रो बाद में ठोकियो, मैं तो इन्हें ठोक रही थी, मैं इन्हें ठोकी। तू कब तक है मेरे साथ, कब तक हूँ, शाम तक हूँ और कब तक हूँ, आई थिंक जल्दी निकल जाइए, मुझे आई थिंक जल्दी निकल जाइए, ये क्या बात है, मुझे किसी से मिलना है ना, बस कोई है जिसकी वजह से आप हमें भेज रहे हो, बस है कोई, बस समझ जाना कोई है, क्या बता, समझ जा क्या होता है शिवम, बस मिलना है तो आज अभी कॉल आया था, मैं एकदम सडनली कॉल आ गया उसका, तो मुझसे मिलना है, कोई परेशान वगैरह है, है कोई एक दोस्त है, मतलब दोस्त से मिलना तो मुझे क्यों बका रहा है, साथ में मिल लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसको मैं नहीं जानती है, बस थोड़ा सा ना, थोड़ा मतलब वो है, समझू समझू, समझ जा, थप्पड़ ऐसा आएगा ना, समझ जा, साथ में रहेंगे ना अपन, साथ में तो रहेंगे, तूने लोग इसलिए बुलाया कि तू चलो, तू चली जाइयो अभी, नहीं मतलब थोड़ी देर बाद चली जाइयो, उसका पागल है क्या, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तेरे साथ ही जाऊंगी, साथ ही रह, बट तेरे को बुरा लगेगा इसलिए कह रहा हूं, ऐसे क्यों बुरा, ऐसे किससे मिलने जा रहा है, मुझे बुरा लगेगा भाई, मैं तो मना करेगा किसी से मिलने के, है फ्रेंड जिससे तू मतलब थोड़ा मतलब मेरे को दूर रखती है वो, ये तेरे चाटुली ना सजना फ्रेंड, ऐसा कौन फ्रेंड है जिससे मैं तेरे को दूर रखती हूं, कैसे समझाऊं यार, तू समझ, मुंह से समझा, मुंह से पागल आदमी, सीधा सीधा नहीं बोला, ला दिखा मैं देख लूं किसकी बोला, नहीं मैं बता रहा हूं, तो बताना है, तू ऐसे कर क्या रहा है, मतलब मेरी एक्स है वो, भूल गई, वो मिलना चाहती है, वो आ रही है, एक्स तूने ही, वो तेरी फ्रेंड है,
एक भी न मिला, मतलब फ्रेंड ही तो थी, अब फ्रेंड ही रहेगी, अब एक्स है तो क्या वो मतलब मिलना चाहिए। फ्रेंड में क्यों है भाई? तो मैंने बताया देखो फ्रेंड की तुझे बुरा ना लगे, तू पूछ रही है बता इसलिए बता दिया एक्स है। पूछूं मैं? मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई राइट नहीं है तेरे से पूछने का। तो राइट है तभी तो मैंने मिलने आ रहा है, किससे नहीं मिलने आ रहा। मैं मिलने तेरे से आया था, उसका कॉल आया, वो परेशान है, मैं इसलिए बुलाया। हां तो क्यों परेशान है भाई? अब मुझे क्या पता क्यों परेशान है वो? मतलब वो परेशान है तो तेरे से मिलने आएगी और तू उसकी परेशानी हल करेगा? तू डॉक्टर लग रहा है भाई? बीमार नहीं है जो दवाई देगा उसको कि हां ले भाई दवाई, अब तू परेशान मत होइयो। अरे डॉक्टर थोड़ी जो दवाई दूंगा, कैसे कैसे सवाल कर रही है? कैसे सवाल कर रही है ना? वो परेशान है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। जल्दी चले जाइयो, जल्दी चले जाइयो। तो उसके सामने रहेगी तो हट नहीं होगा तेरे को? ओ क्यों, साथ में रहूंगी, क्या बात करनी है, मैं भी हूं ना, देखते क्या परेशानी है, मैं भी हूं ना। पर उसको अकेले में मिलना है ना मुझसे? पता नहीं, बस वो शायद उसकी फैमिली प्रॉब्लम है कोई। मतलब फैमिली प्रॉब्लम है तो तू क्या चौधरी लग रहा है, तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम ठीक करेगा? पहले तो कुछ था ना, मैं उसका अब नहीं हूँ। कुछ था ना, अब तो नहीं है ना। तो उसी नाते एक फ्रेंड के नाते बस समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाएगा? जो भी ज्यादा क्या नहीं, बाबी बाबा है क्या? तू तो लड़ रही क्यों रही है? ना लड़ू तेरे से, छोटी सी बात है ये। किस बात है ये? नहीं बहुत बड़ी बात बना रही है तू इसे छोटी सी बात को। आप मेरे से मिलने आए हो, आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया और सडनली आप कह रहे हो कि उसकी कॉल आ गई, तो उससे मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तेरे को बुलाया ना, तेरे से बैठा हूं ना, तो मैं कह रही हूं ना कि मैं भी हूं ना तेरे साथ, देखते ना क्या बात है, फैमिली प्रॉब्लम है, हम दोनों सॉल्व कर देंगे, बता। तेरे को हार्ट होगा ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तेरे को भी मिलवा दूंगा। मैं तेरे साथ हूं तो सही। तू है? हां हूं। अच्छा तो अभी तो लड़ रही है बैठ के छोटी सी बात पे कि वो है वो है। तो तेरी एक्स तेरे से मिलने आ रही है, मैं लड़ूंगी नहीं। हाँ देखा, लड़ रही है तो उसको मैंने नहीं लड़ूंगी। क्या शिवम बता दे तू मेरे रिलेशनशिप में तू है कि वो है? मैं भी कह रही हूँ रिलेशनशिप में वो है या मैं हूँ? तू है तभी तो मैं फिर तो वो इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, मैं इम्पोर्टेंट हूँ? तू इम्पोर्टेंट है तभी मेरे पास है। तो फिर तू मुझे क्यों भेज रहा है? तू मुझे ये क्लियर करना। मैं तो तेरे को भेज नहीं रहा, मैं तो तेरे से बात कर रहा हूँ कि तेरे को बुरा लगेगा तू उसके साथ रहेगी। तू उसको मना कर कि मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, तेरी प्रॉब्लम है, तू अपनी तरीके से सॉल्व कर, ठीक है? परेशान है इसलिए मिल रहा हूँ ना, मेरे को शौक नहीं है कोई मिलने का। वो अपने आप सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है? तू कोई चौधरी नहीं लगता कि तू सॉर्ट आउट करेगा उसकी प्रॉब्लम, और मेरा दिमाग खराब करने के लिए मुझे मत बुलाया कर, ठीक है? मैं थोड़ी दिमाग खराब के लिए बुलाया था, मेरे को क्या पता उसकी कॉल आ जाएगी, उसको मिलना है बहुत जल्दी, बहुत। तू तो कैसा, तूने ब्लॉक कर रखा हर जगह से? तो रैंडम कैसे आ रही है फिर? दूसरे कॉल से आई है ना, दूसरे नंबर से आई है। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब दूसरे नंबर से तेरे को कॉल करके बोल रही है कि मुझे घर की प्रॉब्लम है। वाओ, राशन वाशन भी खत्म हो जाएगा, वो भी तब भी तेरे को कॉल कर देगी, यार शिवम मेरे घर का राशन खत्म हो गया यार, ले आ, है ना? तू इतनी सी बात को बहुत बड़ा कर रही है। शिवम मैं बात बड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत छोटे वर्ड में कह रही हूँ तेरे को कि मैं भी तेरे साथ रहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों साथ बैठ के करेंगे। जो तू अलग में मतलब अकेले में मिलने की सोच रहा है, तो फिर तो वही बात है, तुम अकेले में मिलोगे, रोगे धोगे, फिर अपना पिछला वो याद आएगा तुम्हें, मूवमेंट्स वगैरह, है ना? और फिर तुम दोनों अपने में, है ना? वही सब होता है आजकल, तो यही सब रह गया लाइफ में। एक्स आ जाती है बीच में, है एक्स के साथ वो पुराने मोमेंट्स याद आ जाते हैं, और प्रेजेंट भाड़ में जाए। क्या 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 बोली जा रही? कुछ नहीं, मैं कुछ भी बोल नहीं रही, तू बुलवा रहा है मेरे से कुछ भी। देखो मिलना है ना उससे, वो भी वो आएगी तो तू भी बैठेगी ना? मिलेंगे हम, मिलेंगे दोनों, ठीक है? वेट करा रही है, आएगी तो मिल जाएगा, दोनों मिलेंगे। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं चल उसको भेज देता हूँ, नहीं मिलती, मिलना है ना, नहीं मिलेंगे अब साथ में। ए यार रुपल, तू मेरा दिमाग मत खराब कर शिवम, तू छोटी सी बात की, ठीक है? तू मिल उससे, मिल आज, मैं तेरे से उससे मिलूंगी। हाँ तू भी मिल, मैं तो आज हम दोनों मिलेंगे उससे, है ना? उसके घर में राशन वाशन खत्म हो गया तो भी पूछ रही हो, ठीक है? ताने मत मार यार, टिश्यू पेपर वो तो ना, ब्रश, कोलगेट खुलाना डिंगाना ये सब भी लेकर आएंगे। कैसे बात कर रहा, तेरी एक्स है यार, तेरे कुछ इमोशन जुड़े थे उसके साथ, है ना? ताने मार रही है बैठे बैठे, अरे यार कैसी बातें कर रहा है, छोटी छोटी, है ना? मैं तेरी प्रेजेंट हूँ पागल, वो तो तेरी एक्स थी, उसके साथ तेरी फीलिंग्स थी, है ना? साथ में सामान लेकर आएंगे, लड़ ले मार ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं लड़ थोड़ी नहीं रही हूँ आपसे, आपको एक बात बता रही हूँ, करो कर रहा हूँ, कॉल करो बेबी, बोलो कहाँ पर हो आप? कर रहे हो आप? वाओ, हाँ करो करो, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, ओके कॉल करो आप। हेलो, कहाँ पर हो?
कुछ नहीं, आप बात करो यार। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। आ जाओ यहीं पर है, जहाँ पे वो जो स्टेज टाइप का है। हाँ, ब्लैक रंग की टी शर्ट है। आ जाओ, साथ में लड़की बैठी होगी। लड़की बैठी है पर्पल शर्ट में, टी शर्ट में, सॉरी टी शर्ट टॉप। ओके, तो जानती ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो मैंने कल साथ में लड़की बैठी हुई है शिवम। अरे सॉरी यार, गलती से। A few moments later। फ्रेंड, और आप की एक्स को ये बता रहे हो आपकी, मैं उसने देखा ही तो होगा वीडियोस। लड़की बैठी है ऐसा बताने में शर्म आ रही होगी। अरे इमोशन जुड़े थे भाई आपके, मैं तो भूल गई थी, सॉरी मेरी गलती है सारी। चल फिर वो कॉपी पेन लेके ओ आ गई। हे हाय, हटाओ। सामने कैमरा लगा इसने मेरी जला लगा दी थी भाई, लग का अगर असली में एक्स आ रही तो गार्ड छोड़ दी थी मेरी। चाहिए निकल के यहाँ। कैसा लग रहा है? फोन तो क्या था अपनी एक्स को? ये थे मेरे एक्स। ये कहाँ से आई है बताओ पहले? ये आई, यहीं से आई। चल के यहाँ से 20 साल पहले आई थी। हम तो वर्षों के साथ डेट हुए थे। ब्रेकअप कराऊंगी मैंने सेटिंग कराई तेरा, ब्रेकअप कराऊंगी। तू क्या चाह रहा है हमारा रिलेशनशिप नहीं चले? एक्स मत क्या लगा कभी मेरे को बैंक से पता नहीं क्या। गाइस वीडियो कैसी लगी बता देना, हम सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फॉलो करना पर मेरे को जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहे, सबको फॉलो कर लो। और गाइस वीडियो बस्ती था लगता रहा कुछ, कैसा लगा? ले 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 ले, बुरा लग गया मेरा गाइस की वाट लगने वाली थी। बस इस पास से हम सभी को 500 पेटीएम करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। मेरे को तो 1000 पेटीएम करना, 500 में होता नहीं है कुछ। ज्यादा गरीब है इनको 1000 किया जाए, इनको ज्यादा।